आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज सच्चाई का दर्पण। खबर बालाघाट जिले के वाराणसी से। सड़क दुर्घटना में एक युवक की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत, 3 युवक गंभीर घायल। नगर से मात्र 4 किलोमीटर दूर आज लालबर्रा मार्ग पर टोंडिया नाले के पास एक कार के तेज गति से एक यात्री प्रतीक्षालय से टकराने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार में सवार 3 मासूमों के घायल होने पर उपचार के लिए वाराणसी के पश्चात महानगर के लिए रवाना किया गया है। सूत्रों के अनुसार जैन परिवारों के 4 मासूम किसी कारण से आज 20 सितंबर को प्रातः 11:30 बजे के आसपास नेवर गांव ग्राम गए हुए थे। वहीं वापस में यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ। इस हादसे में जहां कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं 4 मासूम को कार का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। जानकारी अनुसार पर्व के कार्यक्रमों के दौरान उपयोग में लाई गई किसी सामग्री को वापस करने के लिए 4 मासूम नेवर गांव ग्राम गए हुए थे। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हादसे में अर्चित जैन, पिता निर्मल जैन, वार्ड नंबर 15 निवासी, उम्र 21 साल की घटना स्थल पर ही दुखद मृत्यु हो गई। वहीं 3 घायलों में दीपांश पिता दीपक जैन, वार्ड क्रमांक 3 निवासी, उम्र 16 वर्ष को गंभीर चोट आने के कारण पहले बालाघाट फिर गोंदिया रिफर किया गया। वहीं घायलों में सुपार्व पिता आनंद जैन और हर्ष पिता संजय जैन को हल्की चोटें आने के कारण बालाघाट रेफर किया गया है। वहीं घायल दीपांश जैन को चेहरे और हाथ पैर में अधिक चोटें आई हैं। दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व के कल समापन के बाद आज शोभा यात्रा निकालने की तैयारी प्रारंभ थी, किंतु इस हादसे के बाद यह शोभा यात्रा निकालना स्थगित कर दिया गया। ज्ञात हो कि 4 मासूम एक ही निजी विद्यालय के छात्र है, जिसमें मृतक के पिता की मेडिकल शॉप है और मृतक ने बी फार्मेसी का कोर्स भी पूरा कर लिया था। इस हादसे के बाद नगर में हर जगह शोक का वातावरण भी देखा गया। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे के लिए कार की तेज गति को जिम्मेदार ठहराया है। खबर भारत न्यूज के लिए वाराणसी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो अर्चित जैन है, उसके काका आए थे हमारे पास आकाश जैन, उन्होंने बताया कि आज सामाजिक कार्यक्रम था जैन समाज का जैन भवन में। ये लोग सब 4 लड़के वहीं थे और वहाँ से ये लोग घूमने के हिसाब से लालबर्रा रोड तरफ निकले, जहाँ पर वहाँ एक्सीडेंट हो चुका और उसके बाद अस्पताल लाने पर अर्चित जैन ख़त्म हो गया और बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल होने से उनको बालाघाट रिफर कर दिया गया है। ये लगभग घटना कितने बजे की मान सकते हैं? ये 11:30 बजे करीब की है की घटना है ना। हाँ।